तो गाइज ये है डेल का प्रिसीजन 5590 सीरीज लैपटॉप। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। इसका बॉक्स देखिए कितना एलिगेंट बॉक्स है। चलिए जानते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस। ये कोर i9 प्रोसेसर के साथ आता है जिसमें 45 वाट पावर है, 64GB रैम है और 2TB का हार्ड डिस्क स्पेस है। इसका मैं डिटेल रिव्यू बाद में करूँगा, प्लस आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ ये लैपटॉप के बारे में। काफ़ी एलिगेंट लैपटॉप है और इसके बॉक्स में आपको बहुत सारी एक्सेसरीज मिलती हैं जो इसके यूज़ के लिए बेनिफिशियल है। तो गाइस मैंने बॉक्स ओपन कर दिया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चार्जर का कॉर्ड है, ये स्टैंडर्ड चार्जर है, प्लस आपको ये चार्जर मिल जाता है 230W का ये चार्जर है और इसमें थंडरबोल्ट पोर्ट है, यूएसबी 3.0 थंडरबोल्ट पोर्ट और स्टैंडर्ड चार्जर है। स्टैंडर्ड चार्जर से थोड़ा अलग है और आपको ये भी मिल जाता है एक कनेक्टर, बेसिकली आपके HDMI स्लॉट्स और USB को आपके लैपटॉप में कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है, क्योंकि लैपटॉप में एज सच HDMI स्लॉट और USB पोर्ट नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके एक्सेसरीज बताते हैं। तो ये आपको कनेक्टर दिख रहा है जो कनेक्ट होता है लैपटॉप को। तो आइए इस लैपटॉप का फर्स्ट लुक देखते हैं। काफ़ी एलिगेंट सिल्वर ग्रेज मेटालिश फिनिश में है ये। मैं इसको ओपन करता हूँ तो कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो बैटरी लगी है वो 6 सेल लिथियम बैटरी है। अल्ट्रा हाई डेफिनेशन का डिस्प्ले है, आप बेजल देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ है। और ये आपका स्पीकर सेक्शन है। आपके डिस्प्ले को 3840x2400 का रेजोल्यूशन मिलता है, प्लस कोर i9 का स्पीड है इसमें, प्लस पावर बटन आपको टॉप राइट सेक्शन में मिलता है। स्पीड के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस लैपटॉप में, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ इसका प्रोसेसर कोर i9 है, 2TB का हार्ड डिस्क है और प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है। तो कोई डेवलपर्स, एप्लीकेशन डेवलपर, गेमिंग के पर्पज़ के लिए बहुत ही एलिगेंट लैपटॉप है। डॉकिंग स्टेशन में लगा के तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो काफ़ी यूनिक है उन लोगों के लिए जो इसमें बहुत CPU इंटेंसिव काम करते हैं। चलिए मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। ऑन करके दिखता कैसे है तो आपको समझ में आएगा कि डिस्प्ले का साइज़ कितना है, कितना स्पाइस ले रहा है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल एंड टू एंड डिस्प्ले है, जो साइड लाइनिंग है बहुत ही पतली है, तो पता नहीं चलता है कि डिस्प्ले इनफाइनाइट डिस्प्ले टाइप का फीलिंग देता है। तो बेसिकली यही है इस लैपटॉप के बारे में। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग करूँगा और आपको देख के बताऊँगा कि एक्चुअल में ये किस तरह परफॉर्म करता है वेरियस एप्लीकेशंस के साथ। तब तक के लिए चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।